बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नमान ख़ान और आप देख रहे हैं खान फ्रेगमेंट रिपीट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुर्रुश उस्मान की एपिसोड 45 के हवाले से। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि इसमें दुंदार भाई, जो कि अब गद्दारी की तरफ गामजन है, यकीन अपने मनसूबे में निकोला और पेट्रोस कामयाब हो चुके हैं और दुंदार भाई को चारा डाल दिया है, जिसमें दुंदार भाई अपनी हैसियत से ज़्यादा आगे कदम बढ़ा रहे हैं। यकीनन ये अपनी मौत की तरफ गामजन है, लिहाजा उस्मान भाई जो के दुंदार भाई को बहुत ही मौके दे चुके हैं, लेकिन दुंदार भाई ऐसे हैं कि सीधे राह पर आना ही नहीं चाहते, लिहाजा वो अपने आप को मौत की तरफ धकेल रहे हैं और गद्दारी की तरफ गामजन होते जा रहे हैं। जैसे जैसे सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है और इस सीरीज़ की रेटिंग और ज़्यादा होती जा रही है, लिहाजा नाज़रीन आज हम बात करेंगे इन्हीं तमाम पहलू के हवाले से। लेकिन उससे पहले जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीनन आप लोगों ने देखा है कि कुल्लू जैसर उस्मान भाई वापस दे चुके हैं और चंद शरायत आपके सामने रख दी है। अगर तीसरी बार कुल्लू जैसर किले को फतह किया जाता है तो ये तारीख के बरक्स होगा, क्योंकि कुल्लू जैसर किला दो ही मरतबा फतह किया गया था। यकीनन कुल्लू जैसर किले में कोई ऐसी शरायत रखी गई है जिनकी वजह से कुल्लू जैसर किला सल्तनत उस्मानिया की ही मलकियत है। यकीनन कुल्लू जैसर किला जो कि उस्मान भाई का सबसे अहम और पहली फतह है, जो कि किसी भी कीमत पर उस्मान भाई निकोला को वापस नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी पुरानी वीडियो में ही आप लोगों को पहले ही बता चुका था कि उस्मान भाई बाहोजा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यकीनन ये कुल्लू जैसर किला उन्हें वापस तो दे दिया गया है, लेकिन इसके पीछे का राज भी मैंने आपको बता दिया था। जिस भाई को नहीं पता वो हमारी वीडियो पुरानी देख सकता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। गोगतू अलब जो के काफ़ी अरसे बाद सीरीज़ में हमें दिखाई दिया है। यकीनन गोगतू अलब का हमने बताया था कि वो एक नए कबीले में गया हुआ है और वो कबीला तारगन खातून का है, और गोगतू अलब वहाँ तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके वहाँ पर मौजूद है। और आप लोगों ने देखा है कि गोगतू अलब एक नई फ़ौज बनाने में कामयाब हो चुके हैं। अब वो तारगन खातून को ये ही दिखाएंगे कि वो उस्मान भाई के दुश्मन है, और हकीकत इसके बरक्स है। यकीनन उस्मान भाई और गोगतू अलब ने मंसूबा बना कर रखा है कि सलीबियों से कैसे निपटा जाए और दूसरी जानब के हाथों से भी दो हाथ किए जा सके, क्योंकि उस्मान भाई की सिपाहियों की तादाद सलीबियों और मंगोलों के मुकाबले में बहुत कम है। लिहाजा गोगतू अलब को कबीले में इसलिए बाहर रखा है कि तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखी जा सके। लिहाजा यकीनन दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक भी कर दें। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं बाहोजा के हवाले से। यकीनन लैना और फ्लाटियूस एक दूसरे से मुलाकात कर चुके हैं, जो कि उसे बताता है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन लैना खातून जो कि उसके तमाम तर राज उसे बताना शुरू कर देगी, जो यकीनन उस्मान भाई के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। लिहाजा आप लोगों की क्या राय है ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में बात करेंगे कि बाहोजा को उस्मान भाई बचाने में मुकम्मल कामयाब हो जाएंगे, और इस तरह सावची भाई जो कि आखिर में देखा आप लोगों ने कि बहुत ज़ख्मी हालत में कबीले में मौजूद हैं, और इस वजह से उन्हें इस सीरीज़ में बहुत कम दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत जल्द हाजिर होगा इस तरह की मज़ीद मालूमात के साथ जो आपको पसंद आए। लिहाजा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।